नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर होनी है बहाली। सस्ता हुआ LPG सिलेंडर। 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल में बिहार को कांस्य। बिहार के मुख्य सचिव सह अधिकारियों ने की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा। हार के बावजूद धोनी ने अपने टीम के खिलाड़ियों की तारीफ की। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर होनी है बहाली। बिहार की बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकता को देखते हुए गृह विभाग के द्वारा बिहार पुलिस के द्वारा कुल 75,543 पदों का सृजन किया गया है। बता दें कि सृजन किए गए इन 75,543 पदों में से 68,360 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, वहीं बचे 7,183 पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती की जाएगी। मालूम हो इस बात की जानकारी बिहार पुलिस के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा है कि सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशिक्षण तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। बता दें कि फिलहाल BPSC, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन परिषद के अनुशंसाएं आदि भेजने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार के मुख्य सचिव सह अधिकारियों ने की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा। बीते दिन शुक्रवार को 2022-23 के दौरान बिहार के मुख्य सचिव सहित आला अधिकारियों के द्वारा अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इस घोषणा के तहत बिहार के मुख्य सचिव आमिर शुभानी के पास केवल 65,000 रुपए नकद राशि है, वहीं उनके PF खाते में 12,92,000 राशि उपलब्ध है। इसके अलावा बैंक में 5,26,920 रुपए है। वर्ष 2013 मॉडल की मारुति ऑल्टो 800 कार है, 2 फ्रिज और 1.5 टन की AC है। उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, लेकिन सिवान जिले के बहुआरा गांव में विरासत में मिली 1 बीघा कृषि भूमि है। पटना के सुल्तानगंज में 1.75 कट्ठा गैर कृषि जमीन है और कंकड़बाग में 4,000 वर्ग फुट का फ्लॉट है। बेली रोड में 1,425 वर्ग फुट का एक फ्लैट है। इसके अलावा कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास चल संपत्ति में केवल 10,000 रुपए हैं, वहीं अचल संपत्ति में 25 लाख रुपए का फ्लैट। तेलंगाना के निजामपेट ग्राम में करीब 65 लाख रुपए की कीमत का मकान और तमिलनाडु के नेरकुंडराम गांव में करीब 1,35,96,070 रुपए कीमत का फ्लैट है। विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर की करोड़ों की ठगी। कुछ समय पहले ही एक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली गई थी। वहीं अब एक बार फिर ठीक ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है। बता दें कि यह ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां डाक बंगला चौराहा स्थित पांडे मॉल के ऊपर जय शक्ति इंटरप्राइजेस के द्वारा करीब 150 से अधिक लोगों से मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी इराक में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई है और साथ उन व्यक्तियों का पासपोर्ट भी रख लिया गया है। बता दें कि ठगी का शिकार हुए अर्जुन कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्यालय पिछले 15 दिनों से बंद है। मालूम हो कि इस कंपनी ने प्रत्येक व्यक्ति से 63,000 रुपए लिए थे। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी पुलिस को 15 दिनों पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया है। कोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया जुर्माना, जाने क्यों। कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार के ऊपर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि यह जुर्माना बिहार सरकार पर कोर्ट के द्वारा इसलिए लगाया गया है क्योंकि 3 साल पहले एक मामले की सुनवाई करने के दौरान जिला जज 3 वह मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने आशा कुंवर समेत अन्य को 50,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से इस आदेश का पालन नहीं किया गया है, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए बिहार सरकार के ऊपर 10,000 का जुर्माना लगा दिया और साथ ही DM से इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि अब तक क्षतिपूर्ति की राशि चल अचल संपत्ति से वसूल कर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। मालूम हो कि इस जुर्माने की राशि रोहतास DM के वेतन से काटी जाएगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने जारी किया परीक्षाओं का कार्यक्रम। राजधानी पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RK सिंह के दिशा निर्देश अनुसार परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेश मंडल के द्वारा PG द्वितीय सेमेस्टर नियमित और व्यावसायिक कोर्स की परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार PG द्वितीय सेमेस्टर नियमित और व्यावसायिक कोर्स की शुरुआत 18 मई से होगी, जो कि 29 मई तक चलेगी। वहीं नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षा की शुरुआत 22 मई से होगी, जो कि 27 मई तक चलने वाली है। इसके अलावा स्नातक प्रथम वर्ष
के साथ ही नियमित कोर्स की परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होगी और ऑनर्स परीक्षाओं की परीक्षा की शुरुआत 27 अप्रैल से होगी, जबकि सब्सिडरी परीक्षा की शुरुआत 2 मई से होगी और 17 मई तक चलेगी। वहीं स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा की शुरुआत 9 मई से होगी। 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल में बिहार को कांस्य। 27 से 31 मार्च तक गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने सभी मैच को एक तरफा जीतते हुए टीम ने इतिहास रच दिया है। मालूम हो कि बिहार ने राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और अब तीसरे स्थान की ट्रॉफी के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। मालूम हो कि बिहार ने सेमीफाइनल तक का सफर महाराष्ट्र को 21-8, झारखंड को 23-5, उत्तराखंड को 12-2, प्री क्वार्टर फाइनल में गुजरात को 21-7 और क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश को 21-15 गोल के बड़े अंतर से पराजित कर पूरा किया है, लेकिन अंत में बिहार को फाइनल में पहुंचने से मध्य प्रदेश की टीम के द्वारा रोक दिया गया। सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। महंगाई की मार खाते हुए लोगों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। दरअसल आज यानी कि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में एलपीजी की कीमतों में सरकार की ओर से लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कीमतों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि एलपीजी की कीमतों में जो कमी दर्ज की गई है उसका फायदा केवल कमर्शियल सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिल पाएगा, क्योंकि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता कि एलपीजी सिलेंडरों में करीब 92 रुपए तक की कमी दर्ज की गई है। ऐसे में अब सिलेंडर की कीमत घटकर 2028 रुपए रह गई है। सासाराम नालंदा हिंसा पर बोले सीएम नीतीश। आज यानी कि शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सासाराम और नालंदा में हुए हिंसक घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को कहा है कि इस घटना के पीछे जो लोग भी हैं उसकी जानकारी लीजिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सब दिन अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस पर पुलिस को सब कुछ पता करने को कहा गया है। ऐसी घटनाएं तकलीफ देने वाली होती है, यह कोई सामान्य चीज नहीं है। जरूर किसी ने इधर उधर कुछ किया है और जिसने भी किया है उसका पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फिलहाल दोनों जिलों में घटना को लेकर इंटरनेट सेवा बंद है और साथ ही धारा 144 लागू है। कैनरा रोबिको की ओर से मैट्रिक उत्तीर्ण छात्राओं को मिला साइकिल। बीते दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किया गया। ऐसे में आज यानी कि दिनांक 1 अप्रैल को कैनरा रोबिको म्यूचुअल फंड के द्वारा गर्दनीबाग गर्ल्स हाई स्कूल से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई 50 मेधावी छात्राओं को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत साइकिल वितरण किया गया। बता दें कि इस अवसर पर कैनरा रोबिको के बिहार झारखंड के क्लस्टर हेड राणा रानेश की उपस्थिति में विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम सिन्हा ने सभी छात्राओं को अपने हाथों से साइकिल वितरण कर बधाई देते हुए पढ़ाई के प्रति और ज्यादा जागरूक और प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही प्रधानाचार्य ने कैनरा रोबिको को धन्यवाद भी दिया। बिहार की धरती पर एक बार फिर से अमित शाह का आगमन। आज यानी कि 1 अप्रैल 2023 की शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार पहुंचने वाले हैं। मालूम हो कि उनके बिहार आने की खबर से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि इस बार अमित शाह सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बिहार आ रहे हैं, जिसमें वह सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन सम्राट चौधरी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमित शाह का सासाराम का दौरा रद्द कर दिया गया है। दरअसल उनका यह दौरा सासाराम में हिंसा की घटना को देखते हुए स्थगित किया गया है। हालांकि भाजपा नेताओं के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सासाराम का कार्यक्रम स्थगित किए जाने के बाद भी आज शाम अमित शाह बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद फिर 2 अप्रैल को नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार दौरे से पहले जेडीयू ने शाह से पूछे 10 सवाल। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए बिहार आने वाले हैं। ऐसे में उनके बिहार आगमन से पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता राजीव रंजन के द्वारा अमित शाह से 10 सवाल पूछ लिए गए हैं। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार वन नेशन वन टैरिफ लागू करने से पीछे क्यों हट रही है। गृह मंत्री द्वारा पूर्णिया हवाई अड्डे को शुरू करने के बादों का क्या हुआ। किसानों की आय दोगुनी कब होगी। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा। कॉरपोरेट सेक्टर को 65.15% कर्ज माफी क्यों। सीबीआई ईडी का केस भाजपा के लोगों पर क्यों नहीं। दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर आपराधिक कुंडली बंद क्यों हो जाती है। सम्राट अशोक की जयंती पर केंद्र सरकार ने अवकाश की घोषणा क्यों नहीं की। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत गरीब वंचित वर्ग के छात्रों को सुविधा से दूर क्यों रखा जा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलेगा। और अगर 25% अग्निवीर सेना में जाएंगे तो बाकी बचे 75% का क्या होगा।
सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। बीते दिन शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा गया है कि लालू प्रसाद की संगत कुर्सी का मुंह और आंखों से पीएम बनने के सपने भरे होने के कारण नीतीश कुमार को सबसे तेज विकास करने वाली केंद्र सरकार के काम नहीं दिखते हैं। इसके साथ उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए कुछ काम नहीं किया होता तो दूसरी बार भी इतनी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी को लोक सेवा का मौका क्यों देते। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार के बिना बिहार में 4 लेन सड़कों का संचाल और नदियों पर महासेतु का निर्माण संभव था। केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ की लागत से बरौनी खाद कारखाने को आधुनिकीकरण कर इसे चालू करवाया और पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को रंदलाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने एक बार भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार केंद्र पर काम न करने का आरोप लगाते हैं तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कामों में रोड़ा भी अटकाते हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई श्रेय न मिल सके। हार के बावजूद धोनी ने अपने टीम के खिलाड़ियों की तारीफ की। बीते दिन आईपीएल के 16वें सीजन का पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा अपने टीम के खिलाड़ियों की तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते थे कि ओस होगी। उन्होंने कहा कि हम जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो और भी रन बना सकते थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की है, वह गेंद को अच्छी तरह से टाइम करता है और उसे देखना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वह शॉट सिलेक्शन चुनते हैं यह देखना काफी अच्छा होता है। मुझे लगता है कि हंगर गेकर के पास गति है और वह समय के साथ बेहतर होता जाएगा। सोचे कि गेंदबाज बेहतर होंगे। नो बॉल एक ऐसी चीज है जो आपके नियंत्रण में है, इसलिए आपको उस पर काम करने की जरूरत है। मुझे लगा कि 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज बेहतर विकल्प होंगे, इसलिए मैं उनके साथ आगे बढ़ा। शिवम एक विकल्प था, लेकिन कुल मिलाकर मैं गेंदबाजों के साथ सहज महसूस कर रहा था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, रवि कुमार राम, नुन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, अभिषेक राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, विपिन लाल वर्मा, संजीत कुमार सुमन, उमेश ऋषिदेव, इंद्रदेव कुमार, राम प्रताप कुमार, शंकर मुखिया, विजेंद्र सिंह, मुटुल रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अमित शाह के बिहार दौरे से बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।